ओके जय हिंद गाइज, वेलकम टू SBSU व्लॉग्स। गाइज ये है हमारा फीडर स्कूल और यहाँ से ये सामने वाला रास्ता अब खुल गया है। अब आपको लगभग हम दिखाने वाले हैं सब कुछ। गाइज जिस रास्ते की हम आपको जानकारी देने वाले हैं, ये हम यूनिवर्सिटी से बगौला जा रहे हैं। गाइज अब हम हैं दुधौला के जलघर के सामने, इससे हमारी यूनिवर्सिटी है मात्र 200 मीटर दूर। हमें बगौला में हाईवे पे छोड़ेगा NS2 पर। और दोस्तों जहां हम खड़े हैं, मैं बिल्कुल इसी जगह की आपको लोकेशन भी शेयर कर दूंगा। यहां से मात्र 200 मीटर दूर हमारी यूनिवर्सिटी है। और आपको एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि आप बारिश के मौसम में अगर हैं तो इस वाले रास्ते को यूज ना करें, क्योंकि कभी कभी बारिश होती है तो ये रास्ता थोड़ा खराब हो जाता है, तो आपके लिए सुगम नहीं होगा ये। हाँ लेकिन अगर आप पैदल हो तो इस रास्ते को बिल्कुल यूज कर सकते हो, ये काफी ठीक रास्ता है और दूसरे रास्तों से। तो गाइस अब यहाँ से लोकेशन से हम चल दिए हैं और हम बाइक पर हैं। अब आप देख लो बहुत ठीक रास्ता है ये, बढ़िया कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है। अब थोड़ी कीचड़ हो गई उसकी वजह से, जरूर यहाँ रास्ता है ये मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये नहीं है आगे। और यहाँ चारों तरफ खेत हैं। और जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जहाँ से हम अभी चले हैं वहाँ की लोकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से सर्च करके यहाँ डायरेक्ट आ सकते हो। बगौला का है ये जो रास्ता है, आपको बगौला छोड़ेगा और हम मात्र रोड से 200 मीटर की दूरी पर। और भी दो विद्यार्थी और गाइस मैं तो आपसे बहुत ज्यादा सही बात कहूंगा कि आप बगौला वाला निकलने शुरू करें वो, और ये आलापुर वाला रास्ता बिल्कुल यूज ना करें अगर आप पैदल हैं। ये वाला रास्ता बहुत सही है, इवन अगर आप बाइक या गाड़ी में भी है तो भी आप ये वाला रास्ता यूज करें। देखो यहाँ पे और भी स्टूडेंट जा रहे हैं और ये अब हम पहुँचने वाले हैं रोड के लगभग पास, जो तो ना किसी कन्वेंस में दिक्कत आएगी। ट्रांसपोर्टेशन आप बिल्कुल बस या ऑटो आपको मिल जाएगा पलवल बस स्टैंड तक का भी और बल्लभगढ़ तक का भी, आप चाहे कहीं से भी हो। और ये लगभग 10-5 घर यहाँ गाँव बगौला के हैं। और ये आप ध्यान रखना है सराय बाबा का मंदिर है यहाँ, इसके पास आपको रुकना है। और गाइज आप चाहे बल्लभगढ़ से आ रहे हैं या फिर पलवल से आ रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पे आपको सराय बाबा का मंदिर है, बगौला का सिद्ध बाबा द्वार, इस पे रुकना है। ऑटो वाले से आप बोल दो वो आपको यहीं छोड़ेगा। और यहाँ से बिल्कुल ये सीधा रास्ता हमारी यूनिवर्सिटी का ही है और ये NS2, यहाँ पे आपको हर जगह का व्हीकल मिल जाएगा। अबे यार गाइज और यहाँ पे लगभग 50 मीटर आ गई बगौला का सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप किसी भी ऑटो वाले भैया से बोल सकते हो कि हमें जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके पास उतार दें। देखो गाइज अब हम जा रहे हैं पलवल, तो आप जैसे ही पलवल से बगौला की ओर आओगे तो ये पेट्रोल पंप भी है लगभग सराय वाले बाबा के पास, 100 मीटर ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप लगभग 100 मीटर दूर है उस रास्ते से जो सीधा हमारी यूनिवर्सिटी को जा रहा है। और आपकी इस वाले गेट से सेकेंडरी गेट से होगी और ये है चनौली मोड। और अब हम सवार कर रहे हैं NS2 पर और जा रहे हैं पलवल। गाइज अभी हमारी यूनिवर्सिटी का एक और रास्ता आने वाला है, वो आपको हम दिखाने वाले हैं। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं कहूँगा कि आप उस रास्ते का कम प्रयोग करें, अगर आपके पास बाइक है तो ही आप उस रास्ते पर जाएं। गाइज ये आलापुर से है हमारी यूनिवर्सिटी का रास्ता, इसको कभी दूसरे ब्लॉग में हम दिखाएंगे। तो गाइज अब हम आ गए हैं होटल चौक और अब हम पलवल बस स्टैंड की ओर अग्रसर।
जो ऊपर फ्लाईओवर है आप इस पर कभी मत चढ़ना, क्योंकि इस पर कभी हम नहीं चढ़ेंगे। चलो तो गाइज अब हम आ गए यहाँ लालपुर चौक। तो गाइज अब हम आ गए हैं पनवल बस स्टैंड और आज का ब्लॉग लगभग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम आप तक जल्दी पहुंचेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।